हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपका जो एडवर्टाइजमेंट है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशन की वैकेंसी है निकली है, इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब में बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड आपको हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो वैकेंसी है हमें गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड प्रौद्योगिकी संस्थान की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एडवर्टाइज नंबर 1/2021। एप्लीकेशन आर इन्वाइट फॉलोइंग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजिशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। फैकल्टी या पोजीशन एंड टीचिंग स्टाफ की जैसे सिविल इंजीनियर की यूआर कैटेगरी 1 और ओबीसी 1 है। यहाँ पे आप दे सकते हैं यूआर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए यूआर 1, यूआर आपका टेक्निकल असिस्टेंट की टीए में 1, कंप्यूटर साइंस में आप देखें एसटी 1 यूआर आपका 1, यहाँ पे एससी 1 वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में दे सकते हैं ओबीसी आपका 1, एसटी 1 यूआर 1, ओबीसी फायरमैन फोर्समैन की आप देखते हैं यूआर नोवी सेक्टर की 1। ठीक है, जो वैकेंसी है यहाँ पे एई फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे आपको दे रखा है इकोनॉमी सेक्टर ओबीसी यूआर कैटेगरी 1 और टेक्निकल टीए में आपके 1 वैकेंसी देखिए। मैकेनिकल इंजीनियर की आप जैसे इकोनॉमी सेक्टर की 1 यूआर कैटेगरी 2 एससी में 1 और एससी यहाँ पे आपको दे सकते हैं फोर्समैन की 1 वैकेंसी दे रखी है, ओबीसी की 1 दे रही है टेक्निकल में। ठीक है, यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर में आपकी यूआर कैटेगरी 1, फिजिक्स में ओबीसी 1 यूआर कैटेगरी 1, केमिस्ट्री में यूआर 1 और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में इकोनॉमी सेक्टर 1 और इंग्लिश में यूआर 1, सोशियोलॉजी में ओबीसी 1 और यहाँ पे आपको नॉन आपका जो फॉर्मल है सोशियोलॉजी में आपकी 1 है। ठीक है, नॉन फॉर्मल आपका एमई और ईपीएफपीटी सीएसई में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है, 2 आपकी यहाँ पे 1 8 वैकेंसी है। यहाँ पे नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की आप देखते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार की यूआर कैटेगरी 1, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूआर कैटेगरी 2, सीनियर असिस्टेंट कैशियर की 1, आपके जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है। आपका जो पे स्केल है इसके बारे में जानकारी दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आप देख सकते हैं आपकी जो लेवल 10 की है 57 से लेकर 98 तक, फोरमैन की है ठीक है 53 से लेकर 151 तक, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 35 से लेकर 112 तक, टेक्निकल असिस्टेंट की 19 से लेकर 63, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की 78 से लेकर 200,000 तक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 56 से लेकर 177 तक, सीनियर असिस्टेंट कैशियर की 25 से लेकर 81 तक, जूनियर असिस्टेंट की 19 से लेकर 63,000 तक आपकी सैलरी है। फ्रेंड बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और एज लिमिट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर टेक्निकल डिपार्टमेंट की बी बी टेक बी एस सी या आपका और एम ई एम टेक एम एस सी या इंटीग्रेटेड एम टेक इन रिलेवेंट ब्रांच फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट की। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं इक्विवेलेंट ग्रेडिंग इन पॉइंट स्किल वेयर इज द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, इन्हें आपका कंसर्न रिलेवेंट अलाइंट सब्जेक्ट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एग्रीगेट फॉरेन यूनिवर्सिटी। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट पास होना चाहिए कंडक्ट बाई यूजीसी सीएसआर। ठीक है, सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाई यूजीसी जैसे कि आपका आपका एसएलईटी हो गया सेट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं अवार्डेड पीएचडी डिग्री अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इनके बारे में दे रखा है विस्तार से। फोर्समैन की देख सकते हैं एसेंशियल यहाँ पे दे बीटेक रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या आपका इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए 60% मार्क होना चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या आपका 60% मार्क होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एट जीपी। ठीक है, या इक्विवेलेंट फॉर दोज हैविंग बीटेक। यहाँ पे आप दे सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे याद रहेगा 8 साल का सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एट जीपी यहाँ पे दे सकते ग्रेड पे आपको देगा 4,200 इक्विवेलेंट फॉर दोज हैविंग डिप्लोमा। ठीक है,
नॉलेज यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेंट की यहाँ पे जैसे एसेंशियल बीई बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास, उसके लिए आपका ग्रेड सिस्टम है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का, एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का होना चाहिए एज ए टेक्निकल असिस्टेंट इन रिलेवेंट फील्ड जीपी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड पे 2800 होना चाहिए, या आप देख सकते फर्स्ट क्लास होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन टेक्निकल रिलेवेंट फील्ड में, एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 साल का ऐसे टेक्निकल आपका असिस्टेंट इन जीपी 2800 देखा है। डिजायरेबल यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एज लिमिट आपको 35 है। टेक्निकल असिस्टेंट की देख सकते हैं एसेंशियल डिप्लोमा इन आपका इक्विवेलेंट रिलेवेंट ट्रेंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, या आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बीएससी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ साइंस डिसिप्लिन। डिजायरेबल देख सकते हैं प्रेफरेबल विद एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड ट्रेड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉट एक्सीड 30। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जिसमें 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए सीजीपीए ग्रेड बी यूजीसी। यहाँ पे एक्सपीरियंस की यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे जेपीडी रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं। ठीक है, 9 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर एजीपी जो आप आपके दे सकते हैं 6000 पे आपका लेवल 10 से अबव अलोंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस एजुकेशन एडमिनिस्टर में। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं उसके बारे में बता रखा है। एक डिजायरेबल यहाँ पे बता देता हूँ आपका एरिया ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ, एक्सपीरियंस कंप्यूटर एप्लीकेशन ई ऑफिस सिस्टम, एक्सपीरियंस एस्टेब्लिशमेंट एकेडमिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एकेडमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपकी उम्र 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की देखते हैं एसेंशियल यहाँ पे दे रखा है मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन 55% मार्क्स होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड सिस्टम पॉइंट स्केल होना चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या आपका एम्प्लॉई इंस्टीट्यूट सर्विंग सुपरिटेंडेंट 8 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल जैसे क्वालिफिकेशन एरिया मैनेजमेंट इन इंजीनियर लॉ, एक्सपीरियंस कंप्यूटर एप्लीकेशन ई ऑफिस सिस्टम, एक्सपीरियंस एस्टेब्लिशमेंट एकेडमिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एकेडमिक रिसर्च। आपके यहाँ पे एज 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट कैशियर की देख सकते हैं एसेंशियल आपको दे रखा है सीनियर आपका सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मिनिमम आपका टाइपिंग स्पीड होनी 35 वर्ड पर मिनट, फार्मेसी और कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होनी चाहिए स्प्रीड सीट। डिजायरेबल यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर में अच्छी और नॉलेज होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी स्किल होना चाहिए, एज 33 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के दे सकते हैं एसेंशियल यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, प्रोफेसी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड सीट। यहाँ पे डिजायरेबल दे सकते हैं प्रोफेसिंग अदर कंप्यूटर स्टेनोग्राफी स्किल, यहाँ पे एज लिमिट यहाँ होते रखी है 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों पे लास्ट डेट आ रही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, यहाँ पे 10/3/2021 मिडनाइट यानी मार्च को आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं कैंडिडेट वो डिफरेंट पोजीशन अगेंस्ट आप जो कि 2/19 डेट इसको आपको अप्लाई किया है, नीड नो अप्लाई अगेन, यहाँ पे दोबारा से अप्लाई नहीं जो नो आवेदन कर सकते हैं। अपडेट देयर बायोडाटा एंड सबमिट एनी एडिशनल अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड सेंडिंग द ईमेल, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ठीक है, सर्विस कंडीशन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ, ऑनलाइन आपका ये लिंक इसमें दे रखा है, मैं आपको जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे दे रखा है आपको जो पोर्टल बिफोर अप्लाइंग पे नॉट बी रिसीव बाई हैंड ईमेल, यहाँ पे आपको ईमेल ऑनलाइन ही आवेदन करना है। फोटोग्राफ के बारे में बता रखा है। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट के लिए अप्लाई फॉर आपका अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट अप्लाई करता है प्रत्येक पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें फॉर जनरल ओबीसी इकोनॉमी सेक्टर के लिए 1000 रुपये फीस है। ठीक है, एससी फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ठीक है, और फिर से वही बात आ रही है यहाँ पे आपके बारे में पूछा गया है तो उसके बारे में 2/9/1918 को नीड टू अप्लाई बट सबमिट देयर एप्लीकेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ईमेल आईडी पे करना है। ठीक है, पर्सन ऑलरेडी इन सर्विस परमानेंट टेम्पररी मस्ट बी अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, यहाँ पे आपको एविडेंस ऑफ बर्थ डेट के बारे में पूछा जो का हाई स्कूल का रहेगा, रिजेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दे रखा वो यहाँ पे दे सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट रिजर्व राइट के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल थी मैंने आप लोगों को बताई, यहाँ पे आवेदन करने का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना कैसे है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जाएंगे इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे टैब पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ये पोस्ट दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ये पिंक कलर का आ रहा है एडवर्टाइजमेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंपली इस लिंक पे जैसे क्लिक करें तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है,
जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप का प्रोसेस आ रहा है। जो लॉग इन कर चुका है वो यहाँ पे आके लॉग इन कर सकते हैं, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं अलग से भी उसका वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी मैंने नोटिफिकेशन में साथ में थोड़ी सी जानकारी दे दी है फॉर्म फिलअप की। फ्रेंड मैं आपके लिए ये वीडियो था हमारा गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन के बारे में। फॉर्म फिलअप का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, अप्रिशिएट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।